और हमारी अगली सिटी है बुडापेस्ट, जहाँ मैं पहुंच चुका हूँ, सही टाइम पे आया हूँ। एक बार चारों तरफ मैंने देखिए कितना अमेजिंग व्यू है, पीछे जो दिख रहा है ना, लिटरली वहां से हम देखेंगे ना लग रहा है आइसबर्ग है कोई। आज की वीडियो में जो है यहाँ का ओल्ड टाउन, कुछ खूबसूरत कैसल्स और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, सब कुछ आज की वीडियो में। वेलकम टू बुडापेस्ट। आइस स्केटिंग है, मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं करी। 2018 से मैं सोच रहा हूँ अब करूंगा बट कोई ना कोई प्लान ऐसे कैंसिल होते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि कई लोग गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो एक्चुअली वो पेंगुइन्स का सहारा लेके आइस स्केट कर रहे हैं। तो होपफुली मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ जब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो बहुत गिरूंगा। इसे करने के बाद हम यहाँ की पॉपुलर फैशन स्ट्रीट की तरफ जाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ तक आपने काफी अच्छी फोटोज ले ली होंगी। तो जिस भी डायरेक्शन से आप यहाँ की फैशन स्ट्रीट पे आते हैं, यहीं से अंदर से होते हुए हम लोग सेंट स्टीफन बेसिलिका जा सकते हैं और उसके बाद स्ट्रेट टूवर्ड्स द कैसल, यहाँ क्रिसमस मार्केट देखने के बाद। हम चलने वाले हैं बुडापेस्ट कैसल की तरफ। अब इस कैसल का कोई एंट्री चार्ज तो नहीं है, लेकिन यहाँ की चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस ट्रॉली की हेल्प से ऊपर जा सकते हैं। और इस अमेजिंग स्नो में कैसल को एक्सप्लोर करने के बाद और कुछ अमेजिंग फोटोज खींचने के बाद किसी की भी कुल्फी जम सकती है, जिसके लिए इस वेदर में एक अमेजिंग ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा कैफे है जहाँ पे बहुत सारे बेवरेज ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट एंड इवन हॉट वाइन। अब बुडापेस्ट आने के बाद यहाँ की ट्रेडिशनल डिश लैंगोश और चिमनी केक के बिना मैं अपनी ट्रिप खत्म नहीं कर सकता, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इन चीजों को जरूर ट्राई करें। सेंटर में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू की काफी पुरानी बिल्डिंग्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है और उन बिल्डिंग्स को नाइट लाइफ स्पॉट्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसे हम रूइन पब्स और रूइन बार्स भी कहते हैं। Well, तो बुडापेस्ट के साथ इस अमेजिंग सीरीज को खत्म करने का वक्त आ गया है, जिसे हमने शुरू किया था लंदन से। पिंटर्स में आप यूरोप की कौन कौन सी सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात करी और लगभग हर सिटी को एक्सप्लोर किया। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी लोग कर लेंगे तो ऐसी आने वाली सीरीज और जर्नीज की अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।